डेढ़ इंची इस बार होगा ना भाई, ये भी डेढ़ इंची है ना। कैसे से जल्दी हो जाता है ना सर, मशीन हो लाइट हो ना हो लो बैठे रहो या फिर पाइप गर्म करो है? गैस हो ना हो ये दिक्कत होती है उससे बस बस। एक मिनट भी नहीं लगता जो मुर्गा खाए जान दिखाया यहाँ पे। एक तरफ एक इंची होगा ना, इसमें कोई एक इंची नहीं होगा। अच्छे ऊपर तो करोगे एक साथ और एक साथ करोगे। जान चाहिए ऐसे नहीं होता, इसको सुना हाथ लाल होना तो खास करके जाए तो धार ना हो कैसी में धार तो रखे नहीं है। लेकिन आसान है इससे, एकदम फिक्स सुराग होता है इससे। ज्यादा बड़ा मत करता ना, दोनों एक दूसरे में जोड़ने के लिए ना डेढ़ इंची सुराग होएगा, वो एक इंची है ये डेढ़ इंची होगा। इधर देखो कैंची से, कैंची से मस्त हो जाता सुराग, वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है पर लेकिन एकदम फिक्स जाती है टैंगनिंग पर। ये पुरानी टंकी है, इसमें सुराख कर रहे हैं, एक तरफ सुराख था एक तरफ सुराख कर रहे हैं। उधर एक इंची लगी है टैंगनिंग पर, उधर डेढ़ इंची लगेगी। डेढ़ इंची सुराग करना होता है, टैंक पर लगा डेढ़ इंची मगर लेकिन पाइप गर्म करने से अच्छा है, एक घंटा पाइप गर्म करे इतने तो सुराग हो जाता है। इससे कैसी भी धार होनी चाहिए अच्छी, बस बहुत मोटा है नीचे नीचे छाड़ दो। हाँ जितना नीचे हो जाओ लीक, कैंची से सुराख करने पर लीक नहीं होता। उसमें ऐसी नई टंकी का होल वो करा ना अभी तक वो लीक भी होता रहता है, इससे लीक नहीं करता, इससे एकदम फिक्स होल होता है। कैंची से मशीन से करते हैं गर्म करके करते ना तो उससे थोड़ा छोड़ा जाता है। हल्का सा और देने से चूड़ी मरेगी नहीं, हल्का हल्का और छाट लो हो गया बस। सुराख डेढ़ इंची डेढ़ इंची छेद तो कविता बन गई तो आ जाएगा। ये इसमें ताजे का डल जाएगा।
समझिए सबसे मस्त है जुगाड़। ना लाइट का इंतजार करना, ना गैस की झंझट, ना पाइप गर्म करना। चार मंदिर दस मंदिर जहां भी हो, ढाई सौ ग्राम के कैची लेके चढ़ जाओ, जैसे मर्जी थोड़ा कर लो, टाइम भी बचता है। हाथों में जान होगी थोड़े से राख करने के लिए, हाथ तो दर्द करने लगता है, लेकिन सफाई से और जल्दी काम होता है इससे। फाइनल हो गया हमारा सुराख, और ये टैंक निपल एकदम टाइट जा रही है, फिक्स जा रही है टैंक निपल हमारी, इससे लीकेज का डर नहीं रहता है। ये दोनों टैंक लगभग तैयार हैं, लग के दोनों 500 लीटर के हैं। Thank you.